ओके क्लास, आज का लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं नीट के सिलेबस में। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के वजह से फ्लोरल प्राइमोर्डियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस के वजह से हो गया फ्लोरल प्राइमोर्डियम, जहां से फ्लावर बनना होगा उसी को फ्लोरल प्राइमोर्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले फ्लोरल प्राइमोर्डियम का फॉर्मेशन हुआ। अब इस फ्लोरल प्राइमोर्डियम के बनने के बाद फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी प्राइमोर्डियम से फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड से ही फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर। ठीक है, अब देखते हैं फ्लावर का शेप और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। फ्लावर ही है जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर ही है। हम सीधे कह दें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ड्रॉ कर लेते हैं फ्लावर को। ये हो गया स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल है, स्टाइल, उसके बाद से ओवरी का फॉर्मेशन, जो लोअर बल्की पोर्शन होगा ये ओवरी बन गया। अब देखते हैं ये बाकी स्ट्रक्चर्स हो गए, ये नेक्टिफेरस एरिया, ये जो बन रहा है ये हो गया सेपल, जो ग्रीन कलर का लीफी कवरिंग होता है, फ्लावर जब क्लोज रहेगा उस समय उसको कवर किए हुए, तो बेसिकली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर्स, ये बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर बर्ड के कंडीशन में था तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये लीफी स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया सेपल्स। अब ये सारा नेक्टिफेरस एरिया है, नेक्टिफेरस एरिया, और ये जो लोअर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये लोअर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पूरा फ्लोरल पार्ट एस्टेब्लिश्ड है, इसी लोअर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल। अब इसी डिस्क से नीचे की तरफ गया हुआ है पेडिसल, स्टॉक कह दें या पेडिसिल बोल दें। ठीक है, ये हो गया पेडिसल, ये हो गया थैलेमस, ये नेक्टिफेरस एरिया सारा। नेक्टिफेरस एरिया जहां से नेक्टर मिलेंगे, इसके बाद सेपल्स, और यहां से ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है,
ये हो गया। फिलामेंट, फिलामेंट के साथ जुड़ा हुआ है एंथर, ये फिलामेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है एंथर, ठीक है। अब एक पार्ट और रह जाता है, ये हो गए सेपल्स, फ्लावर के सेपल्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये पोर्शन समझ लें, इसको बोल देते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को याद कर लेना कि स्टिकी सरफेस से स्टिग्मा नाम पड़ा है, ठीक है। इसका सरफेस स्टिकी होता है जिस पे पोलन ग्रेन्स आते के साथ अटैच्ड हो जाता है, चिपक जाता है। इसीलिए इसको याद करने के लिए हम कह दें कि स्टिग्मा का स्टिकी सरफेस, ये है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल क्या चीज है कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में, ठीक है, जिसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा आगे चल के, वही है स्टाइल, ठीक है। ये हो गया बल्कि स्ट्रक्चर ओवरी, और इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेगा ओव्यूल। अब देखते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके हम एक नाम दें तो बोल सकते हैं ये कार्पल है या पिस्टिल है, ठीक है। तो कार्पल या पिस्टिल इसको बोला जाता है। अब इसी कार्पल के हॉर्ल को, हॉर्ल मतलब ग्रुप में जो रहेंगे, ठीक है, पूरे ग्रुप को हॉर्ल बोलते हैं। तो हॉर्ल को हम लोग बोल देते हैं गाइनोसियम, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जरूरी नहीं है कि सब में ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है कि सिंगल भी हो सकता है कि ग्रुप में भी हो कार्पल, ठीक है। तो इस पूरे हॉर्ल को हम बोलेंगे एंड्रोसियम, अभी लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख लें, ये मान लेते हैं ओव्यूल का पोर्शन है जिसमें 8 सेल स्टेज होता है, ये सभी को मालूम है, ठीक है, ये ओव्यूल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ये हो गया एंथर, एंथर, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना कि एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है, ठीक है, हमेशा नहीं कहें कि जनरली बाइलोब्ड होता है एंथर, ठीक है। आगे हम डिसेक्शन में जब देखेंगे कि एक एक लोब में दो दो थीका होंगे, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है, डिसेक्शन के समय में। तो ये एंथर हो गया और ये हो गया फिलामेंट, ठीक है। इसको स्टॉक भी बोल लें या फिलामेंट बोल लें सीधे से, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके ये बन जाता है एंड्रोसियम, सॉरी इसको बोलते हैं स्टेमेन, और इसी स्टेमेन के हॉर्ल को एंड्रोसियम बोलते हैं। अब हो सकता है कि एक ही हो या पूरे ग्रुप में हॉर्ल बनाते हो, ठीक है। तो स्टेमेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और कार्पेल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए ये दोनों। एक चीज ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो कार्पेल है ये इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और स्टेमन है ये भी इसेंशियल पार्ट है क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। उसके साथ अगर सेपल्स के हॉर्ल की बात करें या पेटल्स के हॉर्ल की बात करें, यहाँ पे ये हो गया पेटल्स। तो पेटल्स और सेपल्स के जो हॉर्ल होते हैं इनको नॉन इसेंशियल पार्ट या नॉन इसेंशियल हॉर्ल बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई डायरेक्ट रोल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये हो गया पेटल सेपल्स, ठीक है। अब देखते हैं एक एक ऑर्गन के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में। जैसे एंड्रोसियम अगर कहें तो एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट्स यूनिट इज स्टेमेन। स्टेमेन का मतलब हो गया एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोसियम बोल दे रहे हैं, ठीक है।
इसमें एक यूनिट एक स्टेमेन है, तो सिंगल स्टेमेन से भी एंड्रोसियम बन सकता है, या स्टेमेन के पूरे हॉर्ल को भी एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। या एंड्रोसियम को डिफाइन करने के लिए हम ये कह दें, और हॉर्ल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम, ठीक है। अब देखते हैं, ये इसेंशियल पार्ट हुआ, इसेंशियल हॉर्ल हो गया। दूसरा है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है? तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड कार्पेल, ठीक है। तो गाइनोसियम क्या चीज है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्ल को बोल रहे हैं, कार्पेल के हॉर्ल को बोल रहे हैं, ठीक है। अब कार्पेल कहने के लिए हम क्या कहें, स्टिग्मा स्टाइल प्लस ओवरी, ठीक है। ये भी एक इसेंशियल हॉर्ल कहलाएगा। इसके बाद चलते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स क्या है? ये हो गया आउटर मोस्ट ग्रीन हॉर्ल, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यूनिट इज सेपल। तो जो सेपल्स हैं उन्हीं के हॉर्ल को हम कैलिक्स बोलते हैं। याद रखना है कि सेपल्स ग्रीन कलर के हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उनका फंक्शन सीधे प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। जब फ्लावर बड के कंडीशन में होता है तो सबसे बाहर वही रहते हैं, वही प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो बड को प्रोटेक्शन देने के लिए इसको नॉन इसेंशियल हॉर्ल बोला जाता है। ये ध्यान में रखना, नॉन इसेंशियल हॉर्ल बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इसको नॉन इसेंशियल हॉर्ल यहाँ पे बोल देते हैं। अब देखते हैं कोरोला। कोरोला क्या चीज है कि जो पेटल्स का हॉर्ल है उसी को कोरोला बोलते हैं, ठीक है। तो कैलिक्स के अंदर कोरोला वाला पोर्शन हो जाएगा। हम ये कहते हैं कलर्ड एंड सेंटेड हॉर्ल इनर टू द कैलिक्स, ठीक है। अब कोरोला का यूनिट जो होगा वो पेटल होगा, ठीक है। यूनिट जो है वो पेटल है। एक चीज ध्यान में रखना कि पेटल्स कलर्ड होती हैं और सेंटेड होती हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में। उसका मेरिट ये है कि वो अट्रैक्ट करने के लिए पोलिनेटर्स को, ठीक है। तो जो पोलिनेटर्स होंगे उसके सेंट से या उसके कलर से अट्रैक्ट होकर के फ्लावर तक आए, ठीक है, ताकि पोलिनेशन में हेल्प मिले। यही एडाप्टेशन है इन फ्लावर्स के पेटल्स का, ठीक है। अब इसको इसको देख लेंगे, ये भी नॉन इसेंशियल हॉर्ल है क्योंकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं टेपल्स। टेपल्स क्या है कि जब सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो, मिक्स टाइप का हॉर्ल हो, ना तो वो कंप्लीटली सेपल्स लगे और ना तो कंप्लीटली टेप पेटल्स लगे। तो ना तो कंप्लीटली सेपल्स लग रहे हैं ना कंप्लीटली पेटल्स लग रहे हैं, तो उस समय पे उनको हम टेपल्स बोलते हैं। तो बोल दें, व्हेन पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड देन इट इज कॉल्ड एज टेपल्स, एंड मिक्स्ड हॉर्ल, उसके पूरे के हॉर्ल को अब वहां पे ना तो कैलिक्स बोलेंगे ना तो कोरोला बोलेंगे, वहां पे उस हॉर्न को बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कई बार एक्स्ट्रा ग्रीन सेपल्स दिखते हैं, ठीक है। कई बार एक्स्ट्रा ग्रीन सेपल लाइक अपेंडेजेस कैलिक्स के नीचे दिखते हैं, ठीक है, मतलब बाहर के तरफ। उसको वो बेसिकली पेरियांथ या कैलिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। लीफ लाइक होंगे, बहुत छोटा छोटा यूनिट, उनको हम लोग बोलते हैं एपिकैलिक्स। बोल लें, एक्स्ट्रा ग्रीन सेपल्स लाइक अपेंडेजेस अपेंडेजेस बिलो कैलिक्स इज कॉल्ड एज एपिकैलिक्स, इज कॉल्ड एज एपिकैलिक्स। ठीक है।
तो ये हो गया फ्लावर का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है कि जो कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और जो स्टेमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सेपल्स और पेटल्स जो हैं उनमें सेपल्स प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, जो फ्लावर को बड के कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है, और पेटल्स जो होते हैं वो सेंटेड और कलर्ड पोर्शन होते हैं जो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी चीजें अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।